नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू आवर चैनल। जेएनवीयू छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी और इस बार के जेएनवीयू छात्र संघ चुनाव के लिए अध्यक्ष पद प्रत्याशी निर्दलीय अरविंद सिंह भाटी, दोनों ने आज निर्मल गहलोत जो कि उत्कर्ष क्लासेस के डायरेक्टर हैं, उनके जन्मदिन पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर के अंदर शिरकत करी और दोनों आप देख सकते हैं उनसे मिले हैं। बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से युवाओं में उत्साह देखने को मिला। इन दोनों को देखकर जिस तरीके से युवाओं में उत्साह और जोश जागा, रविंद्र सिंह भाटी युवाओं के चहेते हैं। जेएनवीयू छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव इस बार काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर है और चार प्रत्याशी इस बार लगभग अभी तक तय हैं। दोनों ने रक्तदान शिविर में बहुत ही ज़ोरदार तरीके से शिरकत करी। वहाँ पर अरविंद सिंह भाटी ने भी अपनी बात रखी और युवाओं से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर समर्थन करने की अपील करी आगामी चुनाव में। और उत्कर्ष क्लासेस के डायरेक्टर निर्मल गहलोत को दोनों ने शुभकामनाएं दी उनके जन्मदिवस पर वहाँ पहुँचकर, और युवाओं के बीच में पहुँचकर उन्होंने छात्र संघ चुनाव के लिए भी अपील करी और वहाँ पर सभी युवाओं से अच्छा खासा संवाद किया। रविंद्र सिंह भाटी लगातार अब सक्रिय हो गए हैं। अरविंद सिंह भाटी के चुनाव प्रचार के लिए लगातार वो हॉस्टल्स में जा रहे हैं, बाहर छात्रों से मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं और अरविंद सिंह भाटी को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन कर, वोट देकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिताने की वो अपील कर रहे हैं। इस बार का जो चुनाव है, कहीं ना कहीं पिछली बार एक त्रिकोणीय मामला लग रहा था लेकिन इस बार चतुर्कोणीय मामला हो गया है और कहीं ना कहीं मोती सिंह जोधा, अरविंद सिंह भाटी और जो एबीवीपी और एनएसयूआई के जो प्रत्याशी हैं हरेंद्र और राजवीर सिंह, इस बार का चुनाव जो होगा काफ़ी ज़्यादा दमदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाकी खबरों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद।